हेलो नमस्ते नमस्कार चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल लाफिंग बुद्धा। ये ऋषभ शेट्टी सर के प्रोडक्शन हाउस की एक नई फिल्म है। एम भरतराज सर ने इसको डायरेक्ट किया है। उन्होंने इससे पहले फिल्म हीरो को डायरेक्ट किया था जिसमें ऋषभ शेट्टी सर ही लीड रोल प्ले कर रहे थे। तो ये शेट्टी लोग जो है ना, इनका अपना गैंग है, ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, प्रमोद शेट्टी, उसके बाद राजवीर शेट्टी, ये सारे जो है एक साथ मिलके काम करने में यकीन करते हैं और एक से एक ऐसे प्रोडक्ट आपको डिलीवरी देते हैं ना कि देखने के बाद फिल्म मजा ही आ जाता है। कोई भी फिल्म आप इनके गैंग की उठा के देख लो। तो ये जो फिल्म है लाफिंग बुद्धा, इसका ट्रेलर अभी से एक दिन पहले रिलीज हुआ था। देखो, ये जो ऐसी फिल्में होती है ना, वो बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन होती है उसकी, लेकिन उसके आसपास इतने अच्छे तरीके से राइटिंग की जाती है ना कि आपको वो सिंपल प्लॉट भी इतना इंटरेस्टिंग, इतना फनी और इतना कनेक्टेड लगने लगता है कि आप जब ये फिल्म देखते हो ना, ऐसी फिल्में, तो आपको एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो यार कुछ तो अच्छा कंटेंट देख रहे हैं। तो ये फिल्म जो है लाफिंग बुद्धा, उसकी स्टोरी एक लाइन में आपको बताऊं, अगर मैं ट्रेलर देखने के बाद जो मुझे एहसास हो रहा है, एक पुलिस वाले की, पुलिस वाला भी वो नहीं है, वो कॉन्स्टेबल है, उसकी स्टोरी है। किस तरीके से वो सिंपल मैन है, किस तरीके से वर्क पैलेस पे उसका यूज किया जाता है, हर काम में उसको आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब बात क्रेडिट देने की आती है तो वो पीछे उसको कर दिया जाता है। घर में भी उसके साथ सेम हो रहा है, और यही आगे चल के किस तरीके से वो इससे डील करता है, क्या इससे उसको फायदा मिलता है या नुकसान होता है, यही सारा कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म जो है 30 अगस्त यानी 30 अगस्त को रिलीज हो रही है और डायरेक्टर है एम भरतराज सर। और आपको बताया, जैसे मैंने, ये जो शेट्टी गैंग है पूरी की पूरी, ये लोग कमाल के हैं यार। इनमें इतनी अच्छी यूनिटी है, इतने अच्छा इनमें टीम वर्क है ना, कि जब भी ये फिल्म करते हैं साथ में, चाहे बात करूं मैं राजवीर शेट्टी सर की, वो डैम टैलेंटेड है, मतलब मजा आ जाता है उनको, उनकी एक्टिंग देख के। ऋषभ शेट्टी सर, रक्षित शेट्टी सर, प्रमोद शेट्टी सर, को आपने देखा होगा, ये ऋषभ शेट्टी सर, रक्षित शेट्टी सर के फिल्मों में होते हैं, अपने श्रीमन्नारायण में भी थे, और उसके बाद आपको बताऊँ तो कामतारा में भी थे, और भी बहुत सारी फिल्मों में ये काम करते ही रहते हैं। तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा था। फिल्म रिलीज हो रही है 30 अगस्त को, तो ज़रूर आप लोग देखिए, और मैं वेट करूंगा इसके रिलीज का, ऑफिशियल कब डिजिटल पे रिलीज किया जाता है, तो फिल्म देखूंगा और उसका रिव्यू वीडियो भी करूंगा। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो कर ले सब्सक्राइब। मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद। और हाँ, आज आ रहा है फिल्म यूआई का एक नया अनाउंसमेंट वीडियो, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको सामने अपडेट दे दिया जाएगा।